महर्षि गौतम और माता अहिल्या वहां से कुछ दूर एक जंगल में जाकर रहने लगे। सर्वप्रथम महर्षि गौतम ने ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा की, फिर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उनका पूजन करने लगे और उनकी घोर तपस्या करने लगे। पति पत्नी की उत्तम आराधना एवं भक्तिभाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। यह सुनकर ऋषि गौतम बोले, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके मुझे गौहत्या के पाप से बचा लीजिए। तब शिवजी बोले, आपसे कोई अपराध ही नहीं हुआ है, वह सब उन दुष्ट दुराचारियों द्वारा रची गई माया थी, आप तो निर्दोष है। यह सुनकर महर्षि गौतम के सारे दुख चले गए। तब उन्होंने शिवजी से कहा, मुझ पर कृपा करके पतित पावनी माता गंगा को यहाँ प्रकट करे, जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो सके। यह सुनकर शिवजी ने उन्हें गंगा जल दिया। वही गंगा जल माँ गंगा का स्त्री रूप बन गया।